बात बीजेपी के मिशन बंगाल की, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोलकाता दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा ने ममता बैनर्जी के क्षेत्र भवानीपुर में एक रैली को हुंकार भरते हुए कहा कि 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच साफ टकराव दिखाई दे रहा है। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में जब नड्डा का कार्यक्रम चल रहा था तो वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टीएमसी भी सरकार के खिलाफ अभियान चला रही थी। ममता के गढ़ में ये बीजेपी की ललकार है। बिहार में चुनावी जंग जीतने के बाद अब बीजेपी मिशन बंगाल के लिए कमर कस चुकी है। 2 दिन के दौरे पर कल कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली में बीजेपी का टारगेट साफ कर दिया। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हम पूछेंगे, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में जा सकते हैं। नड्डा बंगाल में भरपूर तरीके से गरज रहे हैं, ममता और उनकी सरकार पर वार कर रहे हैं। ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, थाय नेम इज ममता, ये दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है, लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अपने दौरे में नड्डा ने कल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। आज वो मछुआरों के संगठनों से मिलेंगे और नया वोट बैंक पार्टी के लिए तैयार करेंगे। वैसे ममता को उनके घर भवानीपुर में घेरने का भी बीजेपी का प्लान है। भवानीपुर में 120 दिन तक अभियान चलेगा और बड़े नेता दौरे पर रहेंगे। हालांकि टीएमसी नड्डा और बीजेपी के प्लान को हवा में उड़ा रही है। दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, जेपी नड्डा और एनीबॉडी कैन विजिट कोलकाता, बट द फैक्ट इज दैट जेपी नड्डा इज फ्रॉम हिमाचल, ही इज नॉट फेमिलियर विद कोलकाता, बंगाल, द कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री ऑफ बंगाल। So it will have no impact, but JP Nadda may try. बीजेपी हाल फिलहाल के दिनों में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक में जीत के दावों के बीच गदगद है। तेलंगाना विधानसभा से लेकर राजस्थान पंचायत के बाद पार्टी की नजर अब बंगाल पर है। एक दिन पहले पार्टी ने दिल्ली से सीधे कोलकाता के लिए हुंकार भरी। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे और उनका ये फैसला है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। मिशन बंगाल को लेकर बीजेपी गंभीर है। नड्डा से पहले गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता राज्य का दौरा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई नेताओं की रैलियां भी दर्ज हैं। मनोज लोहिवाल, कोलकाता, आज तक।